क्वेश्चन है अपने सामने क्या, ए बी सी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड बी टेक लेस 9 लेस दिन। ठीक है, 9 लेस दिन मतलब एक्स में से 9 कर दिए, क्योंकि अपन ने क्या मान लिया, अपन ने मान लिया बी और सी के कितने, बी और सी का एक्स माना, बी और सी से 9 दिन कम लेते हैं ए प्लस बी, तो इसके एक्स हो जाएंगे, एक्स माइनस 9 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी और ए मिलकर कितने दिन लेते हैं, सी और ए मिलकर लेते हैं 60 डेज। अब अपन से पूछा क्या, अपन से पूछा ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, मतलब अपन को ए की एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे पता है ए प्लस बी पूरा काम एक्स माइनस 9 डेज में कर रहा है, अगर ए प्लस बी पूरा काम एक्स माइनस डेज में कर रहा है तो एक काम कितने दिन में करेंगे, वो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 1/(x-9) काम। ठीक है, अगर बी प्लस सी पूरा काम एक्स दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/(x) काम। अगर सी प्लस ए एक दिन में 60 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में 1/60 काम करेंगे, बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ए दिख रहा है, बी बी दिख रहा है, सी सी दिख रहा है, मतलब ये क्या आ गया अपने पास, 2a + b + c, 2a + b + c आ गया। तो इस साइड भी अपन को क्या चाहिए, 2a + b + c। देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक काम कितने दिन में कर रहा है, 1/30 डेज में, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/30। ये चीज़ सबको समझ में आई। देखिए अपन ने ये क्या निकाला, ए और बी का एक दिन का काम, ये बी और सी का एक दिन का काम, ये सी और ए का एक दिन का काम, और ए बी सी तीनों का एक दिन का काम और उसका डबल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आई तो फिर क्या करते हैं, देखिए यहाँ 1/60 है, इसको 1/60 बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/60। ठीक है, इसको ले लेते हैं एलसीएम, ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 9, तो एक्स माइनस 9, 2x-9/(x)(x-9). ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/60 उसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3/60, 3/60 का मतलब 1/20। ये चीज़ समझ में आई। अब क्या करते हैं अपन इसमें, एक तरीका है इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो, बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा, एक हिट एंड ट्रायल से वैल्यू ट्राई कर लो, और हिट एंड ट्रायल से मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है 20, और मुझे एक चीज़ पता है कि अगर 45 और 45 में से 9 जाएंगे तो कितने 36, 45 और 36 में 20 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 90 - 9 कितना हो जाएगा, 81। इसको अगर काटें 9 × 4 = 36, 9 × 81, और 9 से इसको काटें 5 × तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 4 = 20, मतलब अपनी वैल्यू x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 45 सेटिस्फाई कर रही है। अगर x की वैल्यू 45 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। अब अपन से पूछा क्या, अब अपन से पूछा है भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, क्या पूछिए, अपन से पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ उनको ही ले लेते हैं जो अपने काम के हैं, ए प्लस बी प्लस सी को ले लिया और मैंने बी प्लस सी को ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि अगर इसकी एफिशिएंसी में से इसकी एफिशिएंसी घटा देंगे अपन तो एक ही एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये कितना है, ये 30 और ये 45, 30 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 15 × 2 = 30 होता है, एंड 15 × 3 = 45 होता है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी इसकी 2। अब अपन को पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ गई, ए की एफिशिएंसी अगर 1 आ गई तो इसको काम कितना करना है, 15 × 2 × 3 जो कि कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90, 90 यूनिट हो जाएगा, 90 यूनिट को 1 की एफिशिएंसी करना है, कितने दिन लग जाएंगे उसको, 90 डेज लग जाएंगे, कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ठीक है,